कैसे हो भाइयों। तो अपने ओलंपिक के टूर में इंडिया की पॉकेट में तीसरा ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है, वो भी एक राइफल शूटिंग में, यानी कि जैसे कि मानु भाकर ने पिस्टल शूटिंग में वुमेन्स की कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे दो बार। वहां पे हमारे स्वप्निल कुशल ने 50 मीटर्स मेंस राइफल शूटिंग्स में थ्री पोजीशन पे अपने कंट्री के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया, और वो काफ़ी सारे गर्व की बात है, क्योंकि काफ़ी सारे 14 से ज़्यादा स्पोर्ट्स, यानी कि 40 से ज़्यादा स्पोर्ट्स ओलंपिक में खेले जाते हैं, और उसमें 200 प्लस कंट्रीज के कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे इंडिया के 117 एथलीट्स वो जो गए हैं, उन्होंने अपनी जी जान से, अपनी कोशिश से, यानी कि जितना हो सकता था उतनी ज़्यादा कोशिश से अपने जी जान लगा दिए हर एक गेम में। उस तरह से हमारी इंडिया की पॉकेट में ओलंपिक के टूर में तीसरा ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। हम सब जानते हैं कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, यानी कि अभी ये सेकेंड वीक स्टार्ट होने वाला है, पर इतना काफ़ी नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए गोल्ड गोल्ड और गोल्ड। तो गोल्ड की विश लिस्ट पूरी करने के लिए हमें और जी जान लगानी पड़ेगी, और काफ़ी सारे धुरंधर है जो अभी आने वाली गेमों में अपने कारनामे दिखा सकते हैं। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हमारी टीम को, यानी कि हमारे 117 एथलीट्स को हमें चीयर करता रहना चाहिए। इसलिए हमारी एक नया हैशटैग स्टार्ट किया है, चीयर फॉर भारत नॉट इंडिया, चीयर हैशटैग चीयर फॉर भारत। वहाँ पे उस एडवर्टाइज में, यानी कि एड में आपको नरेंद्र मोदी भी देखने को मिलेंगे, वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम के काफ़ी सारे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, काफ़ी सारे लोग देखने को मिलेंगे जो अपने सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं पर ओलंपिक्स में जो 40 से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उन सारे स्पोर्ट्स को वो चीयर करते हैं। तो किसी भी स्पोर्ट्स को कम नहीं आंकना चाहिए, और हर प्लेयर हर एक स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा सकता है और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। तो कोई भी चीज़ कम नहीं होती, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, और हारते हम तब है जब हम हार मान लेते हैं, और हार मिलती भी है तो उससे कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है, पर हमारा गोल सिर्फ जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार हारेंगे तो अगली तरफ अगली बार हम शायद से गोल्ड ले आए। तो हार मिलती है, पर हार से कुछ ना कुछ सीखो और उसको उस जो रास्ता है उसमें एड ऑन करो और जीत की तरफ आगे बढ़ो। तो वैसे ही स्वप्निल कुशल ने 50 मीटर मेंस राइफल शूटिंग में जो थर्ड पोजीशन होती है उसमें ब्रॉन्ज मेडल लाया है, तो वो काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए। और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमारे इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, वो क्वालिफाइड हो चुके हैं मैनी सेमीफिनाले और फिनाले के लिए, तो काफ़ी जल्दी हमको वो सारे मैचेस भी देखने को मिलेंगे। तो लेट्स होप, चीयर फॉर भारत, एंड होपफुली हमारे पॉकेट में एक और गोल्ड आ जाए। तो वही विश लिस्ट है हमारी, तो लेट्स गो। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। जो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटेड और अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओलंपिक को फॉलो करो भाई साहब, और हमारे जो 117 एथलीट्स गए उनको चीयर करो। तो हैशटैग चीयर फॉर भारत, लेट्स गो। हम मिलेंगे न्यू एंड एनर्जेटिक वीडियो के साथ। सी यू, टाटा, बाय।